ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सो हम श्रीमती राधा रानी के दास बनने का प्रयास कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए, वही एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा, हमारे आचार्य सब हमें यही सिखाते हैं कि हम जब तक राधा दास्य नहीं, इस भाव को नहीं अपनाएंगे कि हम राधा रानी के दास है या दासी है, तब तक एक्चुअली कृष्ण प्रेम प्राप्त होना संभव नहीं है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ही एक ऐसी भक्त है, गोपी है, जो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और उनकी अध्यक्षता, उनके उपदेश के अनुसार जो उन्होंने श्रीमती राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर जो उपदेश दिए हैं हमें, और वही उपदेश हमारे सारे आचार्य भी फॉलो किए हैं, तो हम सदैव यही प्रार्थना करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारे आचार्य जो है इस तरह से लिखते हैं, हमें बताते हैं, अपने भजनों के माध्यम से कहो या अपने ग्रंथों के माध्यम से कहो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे सारे आचार्य उसको प्रार्थना करते हैं, भक्ति विनोद रूप रघुनाथे कहे चरण धरी। भक्ति विनोद ठाकुर, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और अन्य आचार्यों के चरणों को पकड़कर कह रहे हैं, हेनो राधा दास्य सुधीर संपदा, हेनो राधा दास्य सुधीर संपदा। संपदा मतलब धन, धन को संपद कहा जाता है, संपदा कहा जाता है धन को। और कैसे सुधीर संपदा, मतलब बहुत होशियार लोगों की, लोगों का धन है। क्या क्या धन है वो? पैसा नहीं, राधा दास्य, श्रीमती राधा रानी के दास बनना या दासी बनना, ये सही में देखा जाए तो जीवात्मा का सही संपदा है। जो होशियार जीव है, जो भगवान का आश्रय लिए हुए है, इस भौतिक जगत से निकलना चाहते हैं, होशियार जीव ही भौतिक जगत से निकलना चाहता है, बद्ध जीव कहो या मूर्ख कहो, वो इस भौतिक जगत में ही रमना चाहता है, समझ गया ना, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना चाहता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, समझ गया। भौतिक जगत से छुटकारा कौन पाना चाहता है? महात्मा लोग,
क्योंकि उन्होंने काफी इस भौतिक जगत में अनुभव लिए हैं, दुखों के सागर में कई बार गोते खा चुके हैं, अनेक अनेक जन्म ले हो चुके हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं कई प्राणियों के जन्म ले चुके हैं, शरीर धारण कर चुके हैं, कई जीव जंतु पक्षी पशु इतने गोते खाने के बाद तब हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति। तो ऐसे महात्मा जन जो है फिर आगे भक्ति में बढ़ते हैं। इसलिए सुधीर मतलब बुद्धिशाली व्यक्ति जो इस भौतिक जगत में फंसना नहीं चाहता है, सुधीर संपदा, बुद्धिशाली व्यक्तियों की संपदा क्या है? राधा दास है, नो राधा दास से सुधीर संपदा। कबे दिबे कृपा करी, कब मुझे ये धन प्राप्त होगा? राधा दास्य का धन जो है कब मुझे प्राप्त होगा? इसका अर्थ है, देखो अपने आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते आप। अगर ये समझो मैं राधा रानी का दास हूं या दासी हूं समझकर सिर्फ भजन करते रहेंगे नहीं चलेगा। कृपा अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे अन्य गोस्वामी इसके चरणों को पकड़कर रो रहे हैं। भक्ति विनोद दास सॉरी भक्ति विनोद ठाकुर, हे नो राधा दास्य सुधीर संपदा, कबे दिबे, कब दोगे मुझे, कब मुझ पर कृपा करोगे? समझ रहे हैं? इस तरह से रेगुलर प्रार्थना करनी चाहिए। हम प्रार्थना नहीं करते हैं, कई भक्त लोग जो मंगल आरती प्रतिदिन रेगुलर मंगल आरती अटेंड करते हैं, वो मंदिर में कहो घर पे कहो वही प्रार्थना करते हैं। बाकी जो मंगल आरती नहीं करने वाले भक्त हैं वो प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि मंगल आरती में ही ये सारे प्रार्थना है। समझ गए ना? इसलिए मंगल आरती को अच्छी तरह से समझिए, सिर्फ तोते के जैसा रटना नहीं। लोग गा रहे इसलिए हमें भी गाएंगे, हम भी गाएंगे। सो भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे राधा दास राधा रानी की सेवा की भीख मांग रहे हैं, अपने उपवस्त्र को निकाल कर ऐसे भीख मांग रहे हैं, जैसे आप हम सब फैलाते हैं, दीक्षा लेते समय फैलाते हो कि नहीं? हाँ, उपवस्त्र भिक्षा मांगते हैं कि नहीं? तो उसी तरह से गुरुजनों को, आचार्यों को उनके चरणों में गिड़गिड़ा कर भीख मांगना चाहिए कि हमें श्रीमती राधा रानी के दास बनाइए या दासी बनाइए। यही हमारे आचार्य कह रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अन्य सब सभी लोग, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी यही प्रार्थना करते थे। श्रील प्रभुपाद भी हमें यही सिखाए हैं, रोज करते हैं कि ना तुलसी महारानी को प्रार्थना? रोज प्रार्थना करते हैं, करते हैं आप लोग मंगल आरती, जगन्नाथ भक्ति, नारायण प्रभु, यस, मंगल आरती में गुरु अष्टक कहो, तुलसी आरती कहो, जप साधना कहो, सभी भक्तों के समक्ष बैठकर। तो ये प्रार्थना रेगुलर हमारी होनी चाहिए, हमारे सारे आचार्य यही सिखा रहे हैं। तो ऐसे प्रार्थना करते रहेंगे
तो धीरे धीरे भगवान जो है ददामि बुद्धि योगम, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसी सेवा करना चाहिए, प्रार्थना किए बगैर सेवा का लक्ष्य जो है कुछ और होता है। प्रार्थना करते रहेंगे तो सही भाव से हम सेवा भी करते रहेंगे। सो ये हमारा आत्मा का नित्य भाव है, स्वभाव है। क्या है स्वभाव? वह है राधा दास्य। राधा रानी के अध्यक्षता में रहकर हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। हम कृष्णदास तो है कि नहीं? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण के दास तो है, लेकिन हमें पहले गुरुजनों के, गोपियों के, राधा रानी के दास बनना पड़ेगा, क्योंकि वही हमें सिखाते हैं कि कैसे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। इसीलिए हमें राधा दास से कहा गया है। डायरेक्ट कृष्णदास होने के कारण डायरेक्ट कृष्णा अपनी सेवा कैसे कर लेनी चाहिए ये नहीं सिखाएंगे। कृष्ण डायरेक्ट थोड़ी सिखाएंगे आपको कि मेरी सेवा कैसी करनी चाहिए, ये भक्त लोग सिखाएंगे। समझ गए ना? इसीलिए राधा दास्य। सो अगर इस भाव को प्राप्त करना है तो रेगुलर प्रतिदिन हमें आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करनी होगी, और कृपा जब बरसाते हैं तो निश्चित रूप से जब करते समय हम श्रीमद् भागवतम में भगवान के लीलाओं का स्मरण कर पाएंगे। आचार्य जो अपने ग्रंथों में भगवान की लीला समझाए हैं उनका स्मरण कर पाएंगे। तो ऐसे स्मरणों का अभ्यास जो है हमें उस भाव तक लेके आता है। समझ गए? फिर हम राधा रानी के दास, राधा दास्य दीक्षा प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, राधा कुंड में स्नान किए हैं आप लोग? हाँ, राधा कुंड में स्नान किए हैं क्या? किए हैं स्नान? कृष्ण के प्रति या राधा कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ गई है क्या? नहीं बढ़ी है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, समझ गया ना, सॉरी, अपने टीका में रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं और प्रभुपाद अपने टीका में इसे बताते हैं कि एक बार राधा कुंड में स्नान करने से राधा कृष्ण के प्रति इतनी आसक्ति, इतना अट्रैक्शन डेवलप होगा, इतना आकर्षण हृदय में उत्पन्न होगा। लेकिन हम इतने बार राधा कुंड में स्नान करने के बाद भी कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति, या ब्रजवासियों के प्रति, या हमारे आचार्यों के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई है, आप समझे? इसलिए हम प्रार्थना न करने के कारण ये होता है। प्रार्थना जो व्यक्ति रेगुलर प्रार्थना करता है तो राधा कुंड में स्नान करने से श्रीमती राधा रानी के चरणों में, कृष्ण के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में आसक्ति उत्पन्न होनी ही चाहिए, क्योंकि प्रार्थना के माध्यम से ही कृपा प्राप्त होती है, ये ध्यान में रखिए। प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राधा कुंड में पहला डिप, मतलब पहला स्नान करने से उनका हृदय जो आकर्षित हुआ, और जिसके बारे में प्रभुपाद टीका में लिखते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स वंडरफुल ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज राधा कुंड इज एज डियर टू
कृष्णा एज श्रीमती राधारानी, जो राधा राधा दास से बनना चाहते हैं उन्हें राधा कुंड में स्नान करना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक शरीर में अगर श्रीमती राधा रानी को स्पर्श करना है, उनके चरणों को स्पर्श करना है, तो राधा कुंड में स्नान करना पड़ेगा इस भौतिक शरीर से। मतलब ये साधक शरीर से अगर सेवा करनी है या उनके चरणों को स्पर्श करना है तो राधा कुंड में स्नान करना मतलब उनके चरणों को स्पर्श करना, ठीक है। क्योंकि राधा कुंड में और श्रीमती राधा रानी में कोई अंतर नहीं है इस भौतिक शरीर से। हम श्रीमती राधा रानी को स्पर्श नहीं कर सकते, उनके चरणों तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए राधा कुंड के रूप में वो प्रकट होकर हमें ये भाव देती है। तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा परफॉर्म्ड हिज पास्ट टाइम्स विद श्रीमती राधा रानी विद ग्रेट प्लेजर एंड ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। हूएवर बेद जस्ट वंस इन राधा कुंड अटेन्स श्रीमती राधा रानी'स लविंग अट्रैक्शन फॉर कृष्णा। कृष्ण को राधा कुंड बहुत पसंद है, इसलिए वो हर हमेशा राधा कुंड के तट पर मंडलाते रहते हैं। हर हमेशा राधा कुंड के तट पर कृष्ण रहते हैं क्योंकि उन्हें वो बहुत पसंद है। और जो भी व्यक्ति एक बार राधा कुंड में स्नान करता है तो श्रीमती राधा रानी का जो भाव है कृष्ण के प्रति, सेवा कहो प्रेम कहो, ऐसा ही भाव हमें कृष्ण के प्रति प्राप्त होता है, क्योंकि हमने राधा कुंड में स्नान करने से राधा रानी के चरणों को स्पर्श किया है। सो इस भौतिक जगत में जो है, हु विद इन दिस वर्ल्ड कैन डिस्क्राइब द ग्लोरीज ऑफ स्वीटनेस ऑफ राधा कुंड। हमारे आचार्यों के बिना और कौन राधा कुंड की महिमा का गुणगान गा सकता है? ये सीक्रेट है, एक्चुअली हमारे आचार्य बताते हैं ये सीक्रेट है, ये गोपनीय है, ये भाव सभी को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन सद्भाग्य से हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने के कारण हमारा ये अधिकार बन जाता है, इस संपदा को प्राप्त करने का अधिकार ही है हम, ये धन को प्राप्त करने के अधिकारी है हम। तो ये अधिकार को प्राप्त करना करने की विधि क्या है, ये हमें समझना चाहिए। तो यहां हमने भी कई बार राधा कुंड में स्नान किए हैं, बट अभी तक राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो तो प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि शायद हम प्रार्थना नहीं करते हैं रोज। जब करते समय हम स्मरण नहीं करते होंगे राधा कृष्ण की लीलाओं का, उनके चरणों में प्रार्थना नहीं करते होंगे, तो हमारे लिए तो जब एक औपचारिक कार्य हो चुका है। औपचारिक कार्य मतलब फॉर्मेलिटी, करने के लिए करना है, गुरु ने कहा इसलिए करना है, समझ गए ना? हमारे सीनियर अथॉरिटीज कह रहे हैं इसलिए करना है, ऐसा नहीं, समझ गए ना? तो इस मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वैसे राधा दास्य मंत्र है, आप समझिए इसे। इस मंत्र को लाइटली मत लीजिए, ये राधा दास्य मंत्र है। राधा रानी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, हमें भगवान श्री कृष्ण में
भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाइए, आप लगाइए, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती है कि कृष्ण की सेवा कैसे करनी है। तो प्रतिदिन हम उनको प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमें उनके प्रति आकर्षण अट्रैक्शन डेवलप नहीं होता है, मतलब हम जो जप करते हैं ये किस भाव से जप करते हैं, आप समझ रहे हैं? चलते चलते जप करना, कुछ देखते देखते जप करना, बोलते बोलते जप करना, ये विधि नहीं है। विधि है जप करते समय राधा कृष्ण के भगवान के लीलाओं का स्मरण करें और ध्यान से उसे सुने। तो ये हमें राधा दास से भाव प्राप्त करने में बहुत बहुत सहायता देती है, बहुत बहुत सहायता प्राप्त होती है। तो ध्यान से जप कीजिए, जप व्यर्थ मत गवाइए। हमारा एक एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझ रहे हैं? एक एक नाम जो हम ले रहे हैं, इतना समय डालकर हम साधना कर रहे हैं, 2 घंटा जप करते हैं प्रतिदिन, एवरी डे 2 घंटा जप करते हैं हम, और वो जप में ध्यान नहीं है या भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऑफकोर्स नामों का उच्चारण हो रहा है, मगर सही भाव से नहीं है तो उसका रिजल्ट कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ, स्वर्ग लोग मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा। कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है तो राधा दास से भाव अत्यंत आवश्यक है, और इस भाव को प्राप्त करना है तो फिर सततम स्मरणम, समझ गए, जब करते समय स्मरण करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझ गए? ठीक है, तो इस तरह से आप जब कीजिए, ध्यान पूर्वक जब कीजिए, ये राधा रानी के चरणों में प्रार्थना है ये, ओके, एवरी डे हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे सामने जुगल जोड़ी बैठी हुई रहना चाहिए जप करते समय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हृदय में वो बैठेंगे तो ध्यान में हो ध्यान में आएगा, समझ गया ना? हम भगवान को हृदय में बिठाना नहीं चाहते, भगवान को नहीं, लेकिन बाकी सारे लोगों को बिठाना चाहते, भगवान के अलावा बाकी सारे कचरा हम भरना चाहते हैं हमारे हृदय में, तो कचरा का स्मरण होगा, समझ गए? जो हृदय में है वो स्मरण होगा। तो आप ही उसका मापदंड कर सकते हैं कि मुझे क्या स्मरण हो रहा है, तो जो स्मरण हो रहा है वो हमारे अंदर हृदय में है। कचरा का स्मरण हो रहा है तो कचरा भरा हुआ है, समझ गए? तो भगवान का स्मरण हो रहा है तो भगवान हमारे हृदय में है, जो हृदय में है वही स्मरण होगा। तो आप जप करते समय थोड़ा नोट कीजिए कि हम किसका स्मरण कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि आपके हृदय में क्या है, आप समझ रहे हैं? क्योंकि हमें ही पता चलता है कि हमारे हृदय में क्या है, क्योंकि हम उसी का स्मरण करेंगे जप करते समय।
सो हृदय में भरपूर, पूरा भर कर, हृदय भर कर लीलाएं होनी चाहिए। देर शुड नॉट बी स्पेस लेफ्ट किसी भी अन्य चीजों के लिए, हृदय में जगह नहीं होनी चाहिए। हृदय में जगह भगवान, भगवान की लीलाएं, आचार्यों के इंस्ट्रक्शंस, आदेश, उपदेश, ये हमारे हृदय में जब भर कर रहेंगे तो उसका स्मरण होते रहेगा। ओके, ठीक है, ध्यान पूर्वक जप कीजिए। हृदय में अगर कुछ लीला नहीं भरे है तो कम से कम ध्यान पूर्वक जप करना, मतलब कम से कम भगवान के नामों को अच्छी तरह से सुनना। ऐसे सुनने से अनेक लीला हृदय में भर जाते हैं, हृदय में मतलब स्थित हो जाते हैं। क्योंकि हरि नाम जो है, हरे कृष्ण महामंत्र में अनेक लीलाओं का समावेश है। आप समझिए, ये साधारण मंत्र नहीं है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये नाम जो है गोलोक का प्रेम धन है। तो प्रेम कैसे प्राप्त होता है, ये सब इसके अंदर है। सो हरिनाम जप को लाइटली मत लीजिए, ये साधारण नहीं है। बड़े भाग्य से हमें ये प्राप्त हो चुका है और इस धन को खोना नहीं है। अब इसको अच्छी तरह से संभाल के हृदय की तिजोरी में रखना है। जिसके कारण हर हमेशा हमें वो स्मरण होते रहे। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जाए, हरि नाम संकीर्तन की जाए, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।